इस वक्त हम हैं राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ। जय भीम मिशन जो है वो लगातार अपना काम कर रहा है, सर भी लगातार अंबेडकरवादी विचारों को बढ़ा रहे हैं। कई परेशानियां आ रही हैं बीच में। अभी फिलहाल कुछ दिन पहले ही इन्हें जान से मारे, गला काटने की धमकी दी गई। सर, पहला सवाल तो वही है कि लोग जब अंबेडकरवादी विचारधारा ज्यादा बढ़ती है तो लोग ऐसे एग्रेसिव क्यों होने लग जाते हैं? एक्चुअली लोग न्याय देने के लिए तैयार नहीं है, लोग जातिगत उत्पीड़न खत्म करने के लिए तैयार नहीं है, लोग भारत में सब समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय का शासन हो उसके लिए तैयार नहीं है। उनके देश के सारे संसाधनों पर उनका कब्जा है, दूसरे लोग जब अपना हिस्सा मांगते हैं तो वो उसे देने के लिए तैयार नहीं है। इनकी जो दुकानें चल रही हैं जहाँ बिना मेहनत के खूब पैसा चढ़ावा चढ़ता है, जब लोग उस व्यवस्था से अलग कोई रास्ता चुनते हैं तो उन्हें लगता है कि उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, उनकी इनकम बंद हो जाएगी, तो उनको स्वीकार नहीं, उनको दिक्कत पैदा हो जाती है। इसीलिए वो लोग धमकी वगैरह दे रहे हैं, लेकिन ये धमकी से काम नहीं चलेगा। काम तो भारत में समतावादी व्यवस्था, न्यायवादी व्यवस्था को मजबूत करने से चलेगा। काम तो देश में जाति खत्म करके उत्पीड़न को खत्म करने से चलेगा। आप किस किस को डराएंगे, किस किस का गर्दन काटेंगे? यहाँ तो करोड़ों लोग अंबेडकरवादी हैं जो इसी मांग को कर रहे हैं। सर, वही मेरा अगला सवाल वही है आपसे कि जैसे पहले बीजेपी के राज में मुसलमानों को बहुत टारगेट किया गया था, कैसे सिचुएशन आ रही है कि बुद्धिस्ट, जो बुद्ध के धमकी और बढ़ रहे हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है? उसकी कोई, मुझे लगता है, परवाह करने की जरूरत नहीं है। जब कोई बड़ा काम होना होता है तो कुछ लोगों में विचलन पैदा होता है। जब भारत को मजबूत करने की बात आएगी तो हम लोग भारत को मजबूत करेंगे, चाहे जितनी मर्जी बाधाएं हमारे रास्ते में आ जाएं। भारत के संविधान को मजबूत करने की बात है तो जिन लोगों को भारत से और भारत के संविधान से नफरत है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से नफरत है और बुद्ध के धम्म से नफरत है, क्योंकि बुद्ध का धम्म वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चलता है, वो अंधविश्वास, पाखंडवाद, रूढ़िवादिता को नहीं मानता, और जो लोग रूढ़िवादी और पाखंडवाद, अंधविश्वास को मानने वाले लोग हैं या उसके माध्यम से बिना मेहनत के पैसा कमाने वाले लोग हैं, उनको तकलीफ है और उनको तकलीफ तो होगी। सर, एक फैसला आया है EWS पर। आज 5 जजों की बेंच में से 3 जजों ने 103 पे संविधान जो है क्या उसको चेंज करके कहा है, संशोधन करके, कि EWS वो जारी रहेगा। मतलब 2019 से लेके अभी तक चल रहा था, बीच में रुका था, अब उस पर फैसला आ गया कि वो जो है वो चलता रहेगा। कैसे देखते हैं आप इसको? मैं समझता हूँ कि अगर हम भारत के संविधान को पढ़े, ये जो जजमेंट आया, जजमेंट तो पहले से पता था यही आएगा, लेकिन अगर कानूनी दृष्टिकोण से एक वकील होने के नाते मैं इसका विश्लेषण करूं तो आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट एवरीवन हैज गॉट राइट टू इक्वलिटी, और आर्टिकल 15(4) वो कहता है दोज आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस दे आर एंटाइटल्ड टू गेट बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। लेकिन सच्चाई ये है कि जिन लोगों को ये रिजर्वेशन दिया है 10% EWS के नाम पर, उनकी टोटल जनसंख्या ही केवल 12% है। 12% लोगों को 10% रिजर्वेशन तो EWS के नाम पे दे दिया, और ना तो वो सोशली और ना ही एजुकेशनली बैकवर्ड है और ना ही वो अंडर रिप्रेजेंटेड है, वो तो पहले से ओवर रिप्रेजेंटेड है। उस हिसाब से, कानून की दृष्टि से तो ये जजमेंट एकदम पूरी तरीके से अवैध है। सर, अगला सवाल भी इसी से है कि जैसे जो कॉलेजियम सिस्टम, उसको लेकर भी बड़े सवाल हमेशा से उठते आए हैं, और ये भी बात है कि परसेंटेज की बात करें, बहुजनों का परसेंटेज लगभग 80+ है और यहाँ 12-13% है। आने वाली जनरेशन को कितनी प्रॉब्लम हो सकती है इस वाले रिजर्वेशन से? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, रिजर्वेशन बचा कहाँ है? रोस्टर पॉइंट जो इन्होंने बनाया है, उस रोस्टर में तो अगर 11 वैकेंसी निकलती हैं तो 11 में से 8 जनरल को जाती हैं और 2 OBC को जाती है, 1 SC को जाती है, तो 11 वैकेंसी पे 3 वैकेंसी SC ST OBC ST को एक भी नहीं जा रही, 11 में से 2 OBC 1 SC 8 जनरल, तो रिजर्वेशन तो उन लोगों का 75% हो गया ना, SC ST OBC को मिल क्या रहा है? सर, सोशल मीडिया पे एक चर्चा और भी होती है, जब भी कोई SC बंदा आगे तरक्की कर रहा है या अच्छी लाइफस्टाइल जी रहा तो उसको टैग करके कहते हैं कि ये अब BMW में चल रहे हैं, ये बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं, तो इन्हें रिजर्वेशन की क्या जरूरत है? सर, उन्हें पता नहीं है, जो लोग BMW में चल रहे हैं वो रिजर्वेशन कहाँ ले रहे हैं? BMW में सरकारी नौकरी वाला तो नहीं चल सकता। तो जो व्यवसाय करता है, बिजनेस करके आगे बढ़ा है, तो उससे इनको तकलीफ हो रही है, तो तकलीफ तो उनको होती रहेगी, उसका परवाह भी नहीं करनी है, अपनी मेहनत करके आगे बढ़ना है।
एक देखा जाए जैसे कि हम पिछड़े राज्यों की वजह से बिहार आ गया और उड़ीसा आ गया, इस तरफ में क्या एजुकेशन सर बहुत ही ज़्यादा कम है लोगों के पास, खासकर बहुजनों के पास एजुकेशन का जो साधन है बहुत कम है। ऐसे में अगर कल को हम 10 साल बाद देखते हैं तो क्या ये पूरी तरह से बहुजनों को जो मिलने वाला आरक्षण वो खत्म कर देंगे, मतलब लीगली तो नहीं कर पाएंगे? नहीं, खत्म तो वो कर चुके हैं, क्योंकि अमंग एससी एसटी ओबीसी बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन है और ऊपर से ये रोस्टर पॉइंट जो है ये बहुत खतरनाक है, इससे भी हमारे को वैकेंसीज बहुत कम मिल पा रही हैं सीटें, तो वो तो खत्म ऑलरेडी कर चुके हैं। और जहाँ इंटरव्यूज होते हैं वहाँ हमारे लोगों को नंबर कम मिलते हैं जाति की वजह से, तो आरक्षण तो बेईमानी हो चुका है। आगे बढ़ के हमें अब हिस्सेदारी और भागीदारी की बात करनी होगी, हमें देश के संसाधनों में, प्राकृतिक संसाधनों में, सरकारी ठेकों में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, हर जगह हर क्षेत्र में अपनी जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी भागीदारी मांगनी पड़ेगी। और केवल सरकारी नौकरी पर रहेंगे तो उसमें तो कुछ बचा ही नहीं, नौकरियाँ हैं ही नहीं, ज़्यादातर सरकारी संस्थान भारत सरकार ऑलरेडी बेच चुकी है, ठेकेदारी प्रथा लागू करके हमारा बच्चों का भविष्य ऑलरेडी खत्म कर चुकी है। सर आप 5 तारीख को प्रोग्राम है, उसके बाद आप मंत्री पद छोड़ो, आपको धमकियां मिली हैं, आपने केस भी किया, अभी हमारी बातचीत हो रही थी, क्या कार्रवाई हुई अभी तक सर इस पर? अभी तक मेरे को कोई सूचना नहीं है कि कोई पुलिस उन धमकी देने वाले लोग खिलाफ दर्ज हुई है या नहीं हुई है, कोई जानकारी मुझे पुलिस ने नहीं दी है। और जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा था कि इस तरह के केसेस में पुलिस कार्रवाई करे और अगर पुलिस कंप्लेंट दर्ज नहीं करती, एफआईआर दर्ज नहीं करती है और कोई कार्रवाई नहीं करती है तो कोर्ट स्वयं उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लेगा उस पुलिस के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ। तो मुझे अभी ऐसी भी कोई सूचना नहीं मिली है जिसमें कोर्ट ने उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया हो जिन्होंने इन धमकियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया, इन हेट स्पीच के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। तो मतलब जो कहा जा रहा वैसा हो नहीं रहा है अभी तक, जो जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, काफी दिन हो गए इस घटना को, लगभग 15 दिन के लगभग होने वाली ये घटना, 15 दिन वैसे तो महीना ही होने जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में कैसे दिखते जब मैं ऐसे देखता हूँ कि एक जो मंत्री रहे हों और जो आज विधायक हों उनको ही न्याय नहीं मिलेगा, तो मेरा बेचारा गाँव दूर दराज में रहने वाला व्यक्ति न्याय कैसे लेगा? इसीलिए मैं इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहा हूँ। ये लड़ाई राजेंद्र गौतम की नहीं है, राजेंद्र गौतम एक व्यक्ति है, छोटा सा आदमी हूँ, कट्टर सच्चा अम्बेडकरवादी हूँ, लेकिन ये मूवमेंट जो है समाज के हक अधिकार के लिए है, ये राजेंद्र गौतम की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए नहीं है। सर आखिरी सवाल, कल के प्रोग्राम के बारे में सर जरा हमें एक बार हमारे दर्शकों विस्तार से, ताकि कोई आना चाहे वो आप पहुंचे। कल सुबह 10 बजे हम जंतर मंतर पे इकट्ठे हो रहे हैं ताकि ये जो ओम प्रकाश रैगड़ की परिवार पे हमला हुआ और कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, कोई कार्रवाई ठोस सख्त कार्रवाई नहीं हुई, हल्की फुल्की धाराओं में मुकदमा बना दिया और गिरफ्तारियाँ नहीं हुई, उससे आहत होके जिस तरह ओम प्रकाश रैगड़ ने आत्महत्या की या सांस्थानिक हत्याएं पायल तड़वी की, रोहित वेमुला की हुई, इससे जो दिल दुखता है उसके उसे आखिर कब तक इस तरह की आत्महत्याएं होंगी, कब तक हमारे लोगों की घड़ा छूने पर मूछ रखने पर हत्या होंगी, कब? उस पर कोई बोलता नहीं है तो उसे दिल दुखता है। तो इसलिए हम लोगों ने कल सुबह 10 बजे जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन रखा है ताकि इस न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाया जा सके और इस तरह की होने वाली हत्या और आत्महत्याओं को पूरी तरीके से रोका जा सके। तो ये थे हमारे साथ राजेंद्रपाल गौतम, जो हमें बता रहे थे कि ईडब्ल्यूएस पर जो फैसला है वो संवैधानिक रूप से गलत है, और दूसरा ये कि इनको धमकी दिए हुए 15 दिन हो गए, कोर्ट का फैसला है कि हेट स्पीच पर तुरंत कार्रवाई की जाए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दिल्ली से मैं पूनम मसीह मुखनायक के लिए।